वार्तालाप की आपका नजरिया आपकी आवाज। नमस्कार, मेरा नाम है रमन गोस्वामी और आप देखना शुरू कर रहे हैं वार्तालाप टीवी। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार यानी कि 29 जून को 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, हेलो बीगो जैसे ऐप शामिल हैं। इनके अलावा भी कई ऐप्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 59A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन 59 ऐप को बैन किया है, जिसके बाद से यूजर्स परेशान हैं कि कौन से ऐप का इस्तेमाल करें। जहां एक ओर देश में कोरोना महामारी से लोग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनेकों प्राकृतिक आपदाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं हमारे पड़ोसी देश आज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते भारत चीन बॉर्डर पर आज संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें कि चीन से फैले घातक वायरस ने आज संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। आज संसार का हर एक देश इस जानलेवा वायरस से घिर चुका है, जिसको लेकर ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसके पीछे भी चीन की कोई चाल रही है। हो सकता है चीन तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी करने की सोच रहा है। वो कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन वो अपनी ही इस चाल में नाकाम रहा। वहीं आज चीन की इस हरकत के बाद बहुत से ताकतवर देशों ने चीन से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। अमेरिका, भारत और बाकी देशों ने आज चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वहीं अमेरिका ने WHO को दिए जाने वाले फंड पर भी रोक लगा दिए। साथ ही भारत में भारत सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद चीन और बौखला गया है। एक साथ इतने सारे चाइनीज ऐप बंद होने से करोड़ों यूजर्स भी परेशान हो गए हैं। लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि अब वो उन ऐप्स की जगह कौन से ऐप का इस्तेमाल करें। तो आपको हम बता दें कि करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना चुका टिकटॉक की जगह आज अनेकों भारतीय ऐप लोगों के बीच आ चुके हैं, जैसे कि चिंगारी, रुपोसो, टिक टैक। इन पर भी हम टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कैम स्कैनर की जगह हम एडोब स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेंस, गूगल ड्राइव आदि ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी समस्या ये भी है कि संबंधित ऐप्स के भारत में बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं और वे पूरी तरह भारतीय कानूनों और नियमों के अनुरूप काम करते हुए भारतीय ग्राहकों, क्रिएटर, उद्योगपतियों को प्रभावी और त्वरित सेवा मुहैया करवा रहे हैं। प्रतिबंध से न सिर्फ इन ऐप्स के लिए काम करने वाले भारत के लोगों की नौकरी प्रभावित होगी, बल्कि भारतीय यूजर्स के हित और कई सारे क्रिएटर्स और उद्योगपति की आजीविका पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही युवाओं का कहना है कि उन्हें चीनी ऐप के बंद हो जाने से काफ़ी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो इसका भारतीय विकल्प इस्तेमाल करेंगे। वार्तालाप टीवी से शिखा सक्सेना की रिपोर्ट। आज वार्तालाप टीवी में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें वार्तालाप टीवी।